ये लो जान, जो भी सामान तुमने मंगाया था ना सब ले आया हूँ। बहुत सामान मंगाती हो। इतना सारा सामान? ये क्या है? पार्टी के। कौन सी पार्टी? हमारी फ्रीडम सेलिब्रेट करने की पार्टी। इधर आज से हम फ्री हैं। हमें किसी से भी छुपकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे सबके सामने करेंगे, समझी तुम? यू नो ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई जेल से निकल आया, यू नो फंसा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्री हूं। बच्चे सो गए? हाँ, सीमा भाभी को छोड़कर। अब वो माँ को खाना खिला के सुला दिया, पापा से थोड़ी देर बात की और वो भी सो गए। बच्चों को भी सुला दिया। सीमा भाभी को सुलाने की बहुत कोशिश की पर वो अपने पलके ही नहीं झपका रही। कह रही थी अगर गौरव भैया आ गए और उन्होंने उन्हें सोते हुए देख लिया तो नाराज हो जाएंगे। मन तो किया कि उन्हें डांट कर सुला दूं, पर उनकी तकलीफें इतनी बड़ी है कि मुझसे उनकी हालत नहीं देखी गई और मैं चली आई। पर अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें दूध दे दिया है और उसमें एक नींद की गोली भी मिलाकर दे दी है, सो जाएंगी वो। पर कुणाल, ये सोचकर डर लगता है कि रात तो कल फिर आएगी, फिर से वो गौरव भैया का इंतजार करेंगी। कल मैं उन्हें क्या कहूंगी कुणाल? उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है कुणाल, पर आज मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम जब भी रोती हो ना मैं तुम्हें टिश्यू देता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज नहीं दूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि जो रिश्ता दर्द से जुड़ा हुआ होता है कभी नहीं टूटता। आज से तुम्हारे आंसू मैं पोछूंगा कि शायद मुझे भी एहसास हो जाए तुम्हारे दर्द का और हमारा रिश्ता कभी कभी ना टूटे। तुम मुस्कुराओगी, हम सब नॉर्मल रहेंगे, तभी तो सीमा को हिम्मत मिलेगी, तभी तो वो खुश रह पाएगी। ठीक है? माँ पापा जल्दी आ जाइए। कुणाल भैया सिद्धि अभी तक सो रहे, सूरज सर पर चढ़ाया है, जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मम्मा पापा नाश्ता तैयार हो चुका है, ठंडा हो जाएगा।
कुणाल भैया, आपने अदरक की चाय नहीं मांगी अपनी? और पापा आप तो अखबार पढ़ने बाहर भी नहीं आए, क्यों? ये क्या सिद्धि, ये सब मेरे होते ना घर में नहीं चलने वाला, मैं पहले ही बता दे रही। कोई रोना धोना नहीं होगा घर पे। और पापा आपको तो हौसला देना चाहिए सबको, और आप ही ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और आप ही तो कहते हैं कि सीमा लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन लाइफ थोड़ी ना रुकती है, लाइफ तो हमेशा चलनी चाहिए, है ना? और तू ऐसे तो बड़ी हिम्मत वाली बनती है, ऐसे बड़े बड़े केसेस चुटकियों में सॉल्व कर देती है, और घर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई तो इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। अब ऐसे खड़ी मत रह, चल अंदर मेरी हेल्प करा, ये तो नाश्ता ठंडा हो जाए। देख सब कुछ तैयार, तू सिर्फ दही में पानी डालते, आजकल मैं नमक कुछ ज्यादा डालती हूँ। देख मैंने तेरे लिए बादाम का हलवा बनाया, और मैं ना माँ के लिए दलिया बना। ऐसे मत देख, बहुत मुश्किल से समझाया अपने आप को, अब वापस से कमजोर नहीं पड़ना चाहती, अपनी बच्चियों को रोते हुए नहीं देख सकती, और ना कुछ याद करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ है मेरे पास है, और क्या चाहिए? मैं आपके साथ हूँ भाभी। जल्दी जल्दी से नाश्ता निकाल, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, सुबह से मेहनत करी। पकड़ चल। मैं देखती हूँ भैया। नमस्ते खुराना जी। नमस्ते पापा। वो खुराना अंकल। अरे अरे खुराना जी आइए नाश्ता कीजिए। नहीं आप लोग कीजिए, एक्चुअली मैं आप लोगों के पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। आप लोगों ने जो मुझे 11 महीनों के एडवांस रेंट के चेक दिए थे वो क्लियर नहीं हुए। मेरा मतलब है गौरव ने जो चेक दिए थे उनमें से 2 महीनों के चेक जो हैं वो बाउंस हो गए। मैंने गौरव से फ़ोन पर बात की तो उसने कहा कि अब उसका इस घर और रेंट से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा इस घर के किराए से ही। मैं समझता हूँ राणा साहब, किराया मिल जाएगा, पिछले महीने का भी और इस महीने का भी। ठीक है आप मुझे फोन करिए, मैं फिर आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना कुणाल, अब हमारा और आपका एग्रीमेंट अब खत्म हो गया है, और रेंट मिलने में अगर और देर लगी तो आप लोगों को यह घर भी खाली करना पड़ सकता है। उसकी नौबत नहीं आएगी खुराना साहब, फिक्र मत कीजिए, अब जाइए। ठीक है राजी, मैं चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ऐसे ही 3-4 बार मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बैंक नहीं चला रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट्स में तुम मुझे पैसे दोगे, मुझे मेरी पूरी रकम चाहिए और वो भी एक साथ। पैसे मिल रहे हैं इतना काफी नहीं है क्या? ये मत भूलिए कि वो फ्लैट मेरे नाम पर है, अगर मैं पैसे ना भी दूं ना फिर भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप रखिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा। इसे आपकी बेटी को छोड़ने का कॉम्पेंसेशन समझे।
क्या हुआ पापा, कोई आया था क्या? गौरव धमकी देकर गया है, ये कीमत देकर गया तेरी बहन को छोड़ने की। मैं तो हमेशा से सीमा को खुश देखना चाहता था, मगर गौरव नीचा दिखाना चाहता है मुझे। पापा वो इतनी बड़ी इंसल्ट करके चला गया और आपने उसे जाने दिया? जाने तो दिया है लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तू ये कर पाएगा या नहीं। पापा जी, दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, आपसे बताओ मुझे करना क्या है। ठीक है, तो तू वही कर जो उसने हमारे साथ किया। उसने तेरी बहन को छोड़ा, तू उसकी बहन को छोड़ करा। पापा कैसी सी बातें कर रहे हो आप? मैं रवीना को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुझे तेरी बहन की फिक्र है या बीवी की? पापा जी मुझे दोनों की फिक्र है, लेकिन मैं रवीना के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं पापा जी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ मुझे ही करना होगा। तुझे उसके साथ रहना है ना, तो तू रहे, लेकिन रवीना इस घर में नहीं रहेगी। बस पापा, चोपड़ा खानदान का एक भी शख्स मेरी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। सुना तूने? कुणाल, घर के ऐसे हालात है, ऐसे में कैसे किसी के घर जाके खुशियां मनाए? किसी के घर में क्या, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। देखो हमारी कोई जिम्मेदारी है, जो हुआ वो दिमाग से निकाल दो, स्माइल करो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर खुशी का अवसर है। अरे आ गए आप लोग, कैसे हो कुणाल जी? कपिल, क्या है? कैसी हो सिद्धि पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? अच्छी हो। नमस्कार। जिंदे रहो पुत्र। शिल्पा अभी तक नहीं आई? बस आने वाली है। तो कपिल कैसा लग रहा है शिल्पा के जाने के बाद? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। कभी ऐसा लगता है कि उसके जाने से घर का शोर कम हो गया, तो कभी लगता है कि उसके बिना घर सुना हो गया। कपिल मेरी बात मानो, तुम भी शादी कर लो, सब सुनापन दूर हो जाएगा, समझे? ढूंढो क्या? एक तरफ कुणाल के दिल में सीमा भाभी के लिए दुख और घर की सारी जिम्मेदारियां है, तो दूसरी तरफ मेरे घर वालों से जुड़े फर्ज और उनकी खुशियां। थैंक यू कुणाल। अरे अच्छा हुआ तू आ गया, अब तू ही बता दे मुझे, मुझ पे कैसा लग रहा है? हाँ सुंदर है ना? क्या बात है, बहुत थक गया आज? हाँ तो सीमा भाभी के बारे में सोच रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा विक्रम, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सीमा दीदी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो तू क्या सोच रहा है बता? अरे विक्रम बोल ना, विक्रम से पूछ रही हूँ। जो तेरे भैया ने मेरी बहन के साथ किया है ना, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं भी तेरे साथ वही करूँ। जैसे गौरव जीजू ने सीमा दीदी को छोड़ दिया है, वो चाहते हैं मैं भी तुझे छोड़ दूं। ऐसा करके वो गौरव जीजू के साथ बदला लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि मैं नहीं कर सकता हूं ये, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। अरे
और फिर क्या हुआ? और फिर क्या, नाचे नाचे थक गई होगी और फिर जाके सो गई। एक तो मैं इतनी थक गई थी, ऊपर से उनकी वजह से मुझे सोने भी नहीं मिला। ऐसा क्या किया था जो रात भर सोने नहीं मिला? अरे उनके खराटों की वजह से मैं सोने पाई। अरे हंसो मत, पहले पता है मैंने अपने हाथ अपने कानों पे रख दिए, फिर मैंने तकिया लिया, तकिया अपने कानों पे रख दिया, फिर फाइनली ना मैंने तकिया चैतन्य के मुंह पे ही रख दिया। हे रब्बा, तू उसके खराटे बंद कर रही थी या सांसे? अब उनकी सांसे और धड़कने तो मेरे ही कब्जे में है। अब तो मैं चाहती हूँ कि उनके खराटे भी मेरे कब्जे में हो जाए। तुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, कहीं तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो हुआ वो तो बता दे। बताना। मैं क्या बोलू, कुणाल को तो बस रेडियो पर पुराने गाने सुनने का शौक है और उसके बाद अपने डायरी के साथ। और मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ जो उनके डायरी और रेडियो के बीच में आ जाऊँ। रेडियो और डायरी? तेरा पति तो बहुत ही खड़ूस है। क्यों, कहानियां पूरी हो गई तुम्हारी? कहानी? कौन सी कहानी? अरे वही जो तुम सुना सुना के बड़ा मजा ले रही थी। नहीं, वो तो मैं आपके डायरी की तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? मुझे खड़ूस खुद नहीं बोला तो दूसरों से बुलवा लिया और अपने आप को बेचारी दिखा रही थी। बड़ी बढ़िया भाई, तारीफ कर रही थी। मैंने आपको खड़ूस नहीं कहा, और पता अब आप खड़ूस नहीं बल्कि हिटलर लग रहे हो। हाँ, कितने सारे सवाल कर रहे हो मुझे। हिटलर? यार ये बताओ, जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं वे पागल हो जाती हैं, हैं? कुछ भी बोल देती है उठा के तुम। अरे आप क्यों हंस रही हो? मैं सोच रही थी कि अगर आप हिटलर होते तो कैसे लगते, मतलब अगर आपको मूंछें होती तो। केशव मुखर्जी लगता मैं बस। कुणाल हिटलर। बहुत हंसी आ रही है। कुणाल क्या करे? आप बताओ। छोड़िए ना, हिटलर हूँ मैं, कोई आ जाएगा तो। नहीं खड़ूस, क्या हो रहा है सिद्धि पुत्र? हम आपके हैं कौन? चल सिद्धि पुत्र, सब लोग तेरा इंतजार करें, आजा। पापा मैं जा रही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। इस सब में मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती यह है कि तुम गौरव की बहन हो, तुम्हारे रगों में उस परिवार का खून दौड़ रहा है। सीमा की वजह से आज तक मैं चुप था, लेकिन अब नहीं। जो गौरव ने मेरी बेटी के साथ किया, अब मैं उसकी बहन के साथ करूंगा। विक्रम से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सुना तुमने? ठीक है पापा, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं चली जाती हूँ। रुक जा रवीना।